2023 का 33वां मुकाबला यानी कि सुपर संडे के डबल हेडर एनकाउंटर का दूसरा मुकाबला जो कि केकेआर और सीएसके के बीच में खेला गया। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 235 रनों का विशाल का स्कोर लगा दिया जो कि संस्करण का सबसे बड़ा स्कोर भी था। वहीं केकेआर के खिलाफ अभी तक आईपीएल के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कोर रहा है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर 20 ओवरों में 8 विकेटों में मात्र 186 रन ही बना पाई और उन्हें ये मुकाबला 49 रनों से गंवाना पड़ा। सिर्फ यही मुकाबला नहीं बल्कि इस साल केकेआर द्वारा खेले गए 7 मुकाबलों में से 5 ऐसे मुकाबले थे जहां पर उनके गेंदबाजों ने 180 या उससे ज्यादा रन लुटाए हैं और 3 ऐसे मुकाबले रहे जहां 200 के प्लस से ज्यादा के स्कोर बने हैं। इस मुकाबले के बाद कप्तान नीतीश राणा का अपने खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा फूटा है। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि कप्तान नीतीश राणा ने किन खिलाड़ियों को केकेआर के इस बुरे प्रदर्शन का जिम्मेदार ठहराया है। सीएसके के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2023 के 33वें मुकाबले में केकेआर को 49 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद केकेआर टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। इस वक्त शाहरुख खान की केकेआर पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है जिन्होंने अपने खेले गए 7 मुकाबले में सिर्फ 2 जीत हासिल की है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर केकेआर के गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए हैं। केकेआर के खिलाफ सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का स्कोर स्कोरबोर्ड पे लगा दिया। सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे, डेविन कॉनवे और शिवम दुबे ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस हार के बाद केकेआर के कप्तान नीतीश राणा केकेआर के गेंदबाजों पर आग बबूला होते नजर आए। हार के बाद कप्तान राणा ने कहा, पिच चाहे जैसी भी हो आप किसी भी दिन 20 ओवरों में 235 रन नहीं लुटा सकते। 235 रन स्कोरबोर्ड पर यही दर्शाता है कि आपके गेंदबाजों ने प्लानिंग के हिसाब से गेंदबाजी नहीं की जिस कारण उन्होंने जमकर रन लुटाए। हमने सिर्फ एक मैच में नहीं बल्कि 7 मैचों में से 3 मैचों में 200 के ऊपर के रन खर्च किए जो ये दर्शाता है कि इस साल हमारी गेंदबाजी कैसी रही है। मैं अब इसके प्रदर्शन पर क्या ही कहूँ। राणा ने आगे कहा, हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, हमने पावर प्ले में काफी कम रन बनाए और पावर प्ले में इतने कम रन बनाने के बाद इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होता। अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर शानदार पारी खेली, हमारी टीम अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है, हम इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार गलतियों को दोहरा रहे हैं जो परेशानी का सबब है। हम टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर रहे, ये पचा पाना मुश्किल है कि इस पिच पर 235 रन बन गए। नीतीश राणा का अपने गेंदबाजों के ऊपर ये गुस्सा जायज भी जान पड़ता है क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने जरूर केकेआर के टीम मैनेजमेंट को लेट डाउन किया है। आपको क्या लगता है कि इस संस्करण में केकेआर से कहां चूक हुई है और उनके बुरे प्रदर्शन का क्या कारण रहा है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।